ଉଜ୍ଜୈନରେ ଲାଗିବ 21 ଲକ୍ଷ ଦୀପ। ପୁଣି ଥରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ। 21 ଲକ୍ଷ ଦୀପରେ ଝଲସିବ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ଆସୁଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି ଅନେକ ଶୈବପୀଠ। ତେବେ ସବୁବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉଜ୍ଜୈନର ଶୈବପୀଠ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ଏଠାରେ ଥିବା ସିପ୍ରା ନଦୀଘାଟରେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି 21 ଲକ୍ଷ ଦୀପ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଦୀପକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ। ଦୀପକୁ ତିଆରି କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଧୋଇ ଶୁଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ପ୍ୟାକ୍ କରି ନଦୀଘାଟକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। महाशिवरात्रि आ रही है, जैसे कि हम लोगों के घर में शादी ब्याह का एक बहुत अच्छा सा उत्सव रहता है। एक महीने पहले से हम तैयारी करते हैं कि ये करना है हमें, भव्य तरीके से, उस तरीके से हमारे जो महादेव जी हैं और पार्वती जी हैं उनकी शादी का एक उत्सव है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिन। तो उस दिन हम ये जो जितने भी दीपक 21 लाख घाटों पे बिछाएंगे व्यवस्थित से, और उस दिन हम जलाएंगे। पिछली बार भी हमें बहुत आनंद आया था और बहुत उत्साह से हम लोगों बड़े एंजॉय करके वो कर रहे थे, और इस बार उससे दुगनी लगन से, क्योंकि ज्यादा दीपक। ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ମହାଶିବରାତ୍ରିକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 11 ଲକ୍ଷ ଦୀପ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 21 ଲକ୍ଷ ଦୀପ ଲାଗିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। महाशिवरात्रि पर्व पर शिप्रा नदी के तट पर 21 लाख दिए प्रज्वलित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उसी क्रम में हम लोगों ने दिए क्रय किए हैं और उन दियों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से धुलवा कर और वापस सुखाया जा रहा है। ଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ସଜାଇ ହେଉଛି ଉଜ୍ଜୟିନୀ ସହର, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ସହରରୁ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी मुख्यमंत्री स्वयं इसमें उपस्थित होने वाले हैं। पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा है। इस बार की शिवरात्रि महालोक माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब से लोकार्पित किया, उज्जैन एक अलग रूप में दिखाई दे रहा है। तबे चलित वर्ष पुणी थरे 21 लक्ष दीप लगे विश्व रेकर्ड करने को जाउछि उज्जैनी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। ହସିବ ସଂସାର ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାଗବତ, ଭାଗବତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ